हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स की। तो देखिए, डीसी मोटर क्या होता है, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसकी स्पीड, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। तो देखिए, डीसी मोटर्स की जो डिफरेंट टाइप होती है उसको हम नाम इस तरह से देते हैं कि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर से किस तरह कनेक्टेड है, उसी पे बेस्ड हम उसको डिफरेंट नाम देते हैं। तो डीसी मोटर जो है वो तीन तरह की होती है। एक क्या होता है, पहले जो होती है वो होती है शंट वाउंड, या इसको शंट मोटर भी कहते हैं, शंट मोटर। दूसरा जो है आपका वो है सीरीज वाउंड, या उसको सीरीज मोटर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज मोटर। और तीसरा जो है वो होता है कंपाउंड वाउंड। जो थर्ड है आपका वो कहलाता है कंपाउंड वाउंड, या उसको हम कहते हैं कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो ये तीन तरह की डीसी मोटर होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे, अभी जो हमने आपसे कहा था कि इसका नाम जो है उस हिसाब से दिया जाता है या उस पर बेस दिया जाता है कि जैसे फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से किस तरह कनेक्टेड है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं शंट मोटर का। ठीक है, शंट मोटर। तो देखिए, शंट मोटर में क्या होता है, जैसे हमने इसका नाम रखा है शंट मोटर, मतलब कि जो जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में रहती है। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये आर्मेचर है ठीक है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, ये पैरेलल में ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो इस तरह का जो मोटर होती है दैट इज कॉल्ड शंट मोटर। ये टर्मिनल वोल्टेज V हो गया, ये करंट जा रही है I, अब इसमें ये करंट यहाँ बाइफरकेट हो गई, आर्मेचर में खर्च चली गई आई ए, और फील्ड वाइंडिंग में चली गई आई एस एच, और ये रेजिस्टेंस हो गया आर एस एच। ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर में ई एम एफ हो गया ई, तो ये डीसी शंट मोटर हो गया, क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आप देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, ये दिस वन, दिस इज कनेक्टेड विद आर्मेचर इन पैरेलल। ठीक है, अब इसमें हम करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन और पावर इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसकी करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन कैसे आएगी इसकी, हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि मान लीजिए से सपोज कि जब हमने कोई पॉइंट दे दिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, तो हम क्या करेंगे, हम केसीएल अप्लाई कर देंगे, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच आ जाएगा। तो ये इसकी देख, जहाँ पे आई क्या है इनपुट लाइट करंट है, आई ए क्या है आर्मेचर करंट है, आई एस एच क्या है शंट फील्ड करंट है। ठीक, तो ये हो गया करंट इक्वेशन। अब इसके बाद हम वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे। वोल्टेज इक्वेशन, तो वोल्टेज इक्वेशन कैसे आएगी, अब इसमें हम केवीएल लगाएंगे। ठीक, फॉर फील्ड वाइंडिंग सर्किट, यानी इस वाली सर्किट के लिए, इसके लिए अगर हम केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगा वी इज इक्वल टू, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वी इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा आई एस एच इंटू आर एस एच, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा और वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। ठीक, और आर्मेचर वाइंडिंग के लिए जब हम लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई ए आर ए। क्लियर, अगर आप KVL अप्लाई करेंगे, देखिए इस वाले लूप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इस वाले लूप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका वोल्टेज इक्वेशन। अब इसके बाद पावर इक्वेशन हम निकालते हैं। पावर इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो पावर इक्वेशन देखिए, अब हमने कहा पावर इक्वेशंस,
पावर इक्वेशन कैसे निकलेगी? पावर इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि पावर इनपुट क्या होता है। पावर इनपुट जो है दैट इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मतलब एक तरह से आउटपुट पावर। हम इसको लिख सकते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस लॉसेज इन द आर्मेचर इन द आर्मेचर प्लस लॉस इन द फील्ड। ठीक है, तो एक तरह से इनपुट पावर हमारी वी आई इज इक्वल टू हो गया मैकेनिकल पावर पी एम प्लस आई स्क्वायर ए आर ए प्लस आई स्क्वायर एस एच आर एस एच। यह आ गया। अब इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं पी एम प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस बी इंटू आई एस एच। ठीक है, यहाँ से अब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आप निकालेंगे तो पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई माइनस वी आई एस एच माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। अब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, वी एल वो ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो वी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस आई एस एच माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। आ गया, इसको हम लिख सकते हैं V इंटू आई ए। अब ये चीज़ क्या हो गई, आई ए हो गया, तो ये हो गया हमारा V इंटू आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, या इसको हम लिख सकते हैं V माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए। तो एक तरह से पी एम बराबर हो गया E, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, E होती है E इंटू आई ए, ये मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर ये जो हमारी इक्वेशन आई थी कि हमने कहा कि वी नो दैट वी इज इक्वल टू कितना होता है, ई प्लस आई ए आर ए। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, आई ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी इंटू आई ए इक्वल टू ई इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। ये आ गया, तो एक तरह से ये बी टू आई ए क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप प्लस आई ए स्क्वायर आर ए बी आई ए। तो यहाँ से ये बी आई ए क्या हो गया, ये हमारा सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर हो गया। ये जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रिकल पावर पावर सप्लाइड टू द आर्मेचर ऑफ द टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर। क्लियर, तो इस तरह हमने देखा कि शंट मोटर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसकी करंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसकी वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकालते हैं और उसकी पावर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटर, दैट इज कॉल्ड सीरीज मोटर। अब आप आ जाइए सीरीज मोटर पे। देखिए, जैसे इसका नाम बता रहा है, सीरीज मतलब कि जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होगी। मान लीजिए ये आर्मेचर है, ठीक है, तो वाइंडिंग इसके साथ ही यहीं पे लगा दीजिए सीरीज में ऐसे, और ये हो गया। ठीक, ये आर एस एच हो गया, या चूंकि सीरीज में आई आर एस ई हो गया, ये आई एस ई हो गया, ये जैसे आप करंट दे रहे थे मोटर को आई लाइन करंट हो गई, ये वोल्टेज टर्मिनल के क्रॉस जो था वो हो गया, और आर्मेचर से जो करंट आ रही है या उससे निकल रही है ये तो आई ए हुआ, और यहाँ पे ईएमएफ हो गया ई। अब सीरीज मोटर में आप देख रहे हैं सीधा सीधा क्या है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग
ये आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सीरीज मोटर। अब इसके लिए करंट इक्वेशन हम निकालें। करंट इक्वेशन, तो करंट इक्वेशन तो बहुत इजी है इसकी। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों करंट, आई इज इक्वल टू आई एस सी इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। जो सीरीज फीस फील्ड करंट है वही आर्मेचर करंट है, वही इनपुट लाइन करंट है। अब आ जाइए वोल्टेज इक्वेशन में। वोल्टेज इक्वेशन आप निकालेंगे, तो वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकलेगा? यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी इज इक्वल टू आ गया ई प्लस आई आर ए प्लस आर एस ई, बस ये वोल्टेज इक्वेशन आ गई। पावर आप निकालेंगे, पावर इक्वेशन क्या आ जाएगी? अगर हम यहाँ केवीएल अप्लाई करेंगे तो अभी हमने देखा था ना केवीएल अप्लाई करके क्या आया था, वी बराबर ई प्लस आई आर ए प्लस आर एस ई आया था। अब इसमें क्या करें, पूरी इक्वेशन में आई ए से मल्टीप्लाई कर दें, या आई से, वी आई इक्वल टू ई आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस आर एस ई, ये आया। अब यहाँ पे वी आई क्या है, इनपुट पावर सप्लाइड है, ठीक है। ये हो गया इनपुट पावर सप्लाइड, ये हो गया मैकेनिकल पावर डेवलप, ठीक है। ये आपका आई स्क्वायर आर ए आर्मेचर लॉस हो गया, और ये लॉस इन द फील्ड हो गया। या इसको हम खोल लेते हैं, तो वी आई इज इक्वल टू ई आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस आई स्क्वायर आर एस ई, ठीक। तो ये एक तरह से इनपुट पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप प्लस लॉसेज इन आर्मेचर प्लस लॉसेज इन आपका फील्ड, ठीक। तो इस तरह से आप पावर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो होती है मोटर की, वो होती है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर हैविंग बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड ए कंपाउंड मोटर। इट में बी ए शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और ए लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ए डीसी कंपाउंड मोटर में बी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड और डिफरेंशियली कंपाउंडेड, ठीक है। द करेंट रिलेशनशिप ऑफ ए कंपाउंड मोटर कैन बी रिटेन बाई यूजिंग केसीएल। द वोल्टेज रिलेशनशिप्स आर रिटेन बाई यूजिंग केवीएल। तो कंपाउंड मोटर वो मोटर होता है जिसमें शंट और शंट एंड सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है, ठीक। उसी में बाइफर्केशन होता है कि लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। तो ये जनरेटर जो हमने पढ़ाया हुआ है उसमें लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट हमने डिस्कस किया हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर आप जनरेटर वाली वीडियो को रिफ़र कर लेंगे या जनरेटर वाली भी वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपाउंड मोटर के समझने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ डीसी मोटर क्लियर हो गया होगा। मैं अभी वो जो कंपाउंड मोटर वाला है, कंपाउंड वो जो वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप रिफ़र कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो है जब भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।